भोजपुरी की एक बड़ी एक्ट्रेस को देखा गया मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए। जी हाँ, हम ये बात 100% सच कह रहे हैं। लेकिन इस खबर में बात बस इतनी सी है कि ये बात तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी है। भोजपुरी की कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम करने वाली मिताली शर्मा, जो कि दिल्ली से ताल्लुक रखती थी, उन्हें मुंबई के लोखंड वाले इलाके में भीख मांगते हुए और चोरी करते हुए पकड़ा गया। भोजपुरी सिनेमा का काला सच बयां करती है। फिल्मों में काम करने के जुनून को लेकर मिताली दिल्ली से अपने घर से भाग आई थी मुंबई में बॉलीवुड में काम करने के लिए। बॉलीवुड में मन मुताबिक काम न मिलने के कारण मिताली ने कई रीजनल सिनेमा में काम किया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में मिताली धीरे धीरे फेमस होने लगी थी और मिताली को काम मिलना भी शुरू हो गया था। लेकिन कोई गॉडफादर न होने के कारण मिताली का ज्यादा देर तक भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सरवाइव करना मुश्किल हो गया। हद तो तब हो गई जब मिताली के खाने के भी लाले पड़ गए। नौबत तो यहाँ तक आ गई, मिताली को सरवाइव करने के लिए चोरी तक करना पड़ा। जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर उन्हें खाना चुराते हुए और भीख मांगते हुए देखा गया। लेकिन जब उन्हें हिरासत में लिया गया, तब ये शॉकिंग सच्चाई सबके सामने आई कि मिताली शर्मा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और साथ ही साथ कई रीजनल सिनेमा में काम कर चुकी हैं। लेकिन अब हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर से दिखने वाली ये चकाचौंध भरी जिंदगी अंदर से कितनी वीरान है और यहाँ सर्वाइव करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।